सूचना जो अभी आप सुनेंगे वो अवसरों के केवल संक्षिप्त परिचय के लिए दी गई हैं, जो इस व्यापार के माध्यम से उपलब्ध हैं। आपको उस व्यक्ति से मिलने व अधिक जानकारी मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसने आपको ये सामग्री उधार दी है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सीधी सेमिनार से हुई है, इसलिए ध्वनि की एक समान स्पष्टता की गारंटी नहीं दी जा सकती। अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइटिंगेल ने 1956 में लिखा था और रिकॉर्ड किया था। दरअसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपने 9 वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंढते रहे थे। अर्ल नाइटिंगेल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था। चूंकि वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे इसलिए बचपन में बस एक ही सवाल अर्ल के मन में घुमड़ता रहता कि क्यों कुछ लोगों का जन्म सिर्फ ऐशो आराम भोगने के लिए होता है जबकि अन्य लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूझते रहते हैं। जब बड़े बुजुर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद कहीं इनमें उसके सवाल का जवाब छिपा हो। कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 वर्ष का था तो उसने ये संदेश लिखा और इसे रिकॉर्ड करवाया। एक शनिवार की सुबह उसकी अनुपस्थिति में सेल्समैनों के एक छोटे समूह के बीच उसका रिकॉर्डेड संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लौटकर वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उसके संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादू भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहते हैं। इस भारी फरमाइश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बात की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई। अर्ल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विज्ञापन प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़े समय में उस संदेश की 10 लाख प्रतियां बिक गईं। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने संदेश को अर्ल ने नाम दिया था सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य, और ये इकलौती रिकॉर्डिंग वो नन्हे से पौद थे जिस पर व्यक्तिगत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और स्थापित हुआ। और चूंकि अर्ल ने सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का सच्चा अर्थ ढूंढ निकाला था जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयं भी अपनी घोर निर्धनता से ऊपर उठकर घर घर का एक जाना पहचाना नाम बन गए। दूर दराज के देशों में उनकी ख्याति फैली। उनका दैनिक रेडियो कार्यक्रम हमारी बदलती दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रोग्राम बन गया जिसे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डायना नाइटिंगेल हूँ। 1989 में अपने पति की मृत्यु के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अर्ल के ढेरों संदेश नए से नए प्रभावशाली तरीकों से कोने कोने तक पहुंचाए जाएं। आज व्यक्तिगत विकास उद्योग काफी विस्तृत हो चुका है लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को एक ऐसा संदेश मानते हैं जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवन काल के पिछले 32 वर्षों में सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को बदलते समय के साथ कई बार संशोधित किया। इन परिवर्तनों के कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के ऐतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तौर पर गौर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही, उतना ही कीमती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगेल के इस मूल रिकॉर्डिंग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का आनंद उठाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है, और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था, लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सबका विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके, इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा और ये है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि ये है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनस्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से, बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं। 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे, क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक माँ है क्योंकि वो पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है, क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश
आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है, यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा? ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और न ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घिर जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो और हम अपने काम में होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है, लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिजरेली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती।
राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुंथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएलए ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल चार शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं, और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा भी गया है आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो। बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लौटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है।
यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है, निःशुल्क, मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई हैं। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की हैं, स्तरहीन, और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह जगह जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्र चित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। कृपया अब साइट बी सुनिए। हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमत्कार छुपा है। दरअसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है, वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो आज जहां जिस स्थिति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज, कल या अगले महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते देखा। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे छोड़कर किसी खड्ड में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे? ये दोनों विकल्प आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके हाथों में है। अब देखा ना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का ये नियम जहां एक ओर आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था,
वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूं और रहस्य भी क्यों कहूं। वास्तव में ये कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है। यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से ये रहस्य भी बना रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके। आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है, यदि हम इसे समझकर इसे जीवन में लागू भी कर सकें। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी पूरी जिंदादिली से भरपूर जीनी चाहिए। उसे सुबह सवेरे नींद टूटने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि वो इसे बेहतर ढंग से करता है। एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं, और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ। ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटें, जब महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितने की सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक है कि प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या स्वीकृत कराने की भी हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं, और हमें ये मूल्य चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल है कि ये मूल्य है क्या? इसमें कई बातें हैं। पहली तो ये कि हमें बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते भी हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी अड़चनों और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। यानी ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। अर्थात हमें तमाम संकीर्णताओं से और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी। अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परख कर सके। ये विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए काम करना होगा, और अपने आप को लगातार इस तथ्य से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। और चौथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% निश्चित रूप से बचाएं। ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है, यदि आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं।
आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लें जो एक खूबसूरत जीवन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकाना है। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरी बात, साहस। हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त हों। और चौथी बात, जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं। साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते हैं। और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में ये स्पष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। दो बातें हम सब पर लागू होती हैं। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ड पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो, आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमाण में रुपया कमाना चाहते हो। हो सकता है कि आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हो, या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमन्ना हो आपको, या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं। आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है। यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है। आप अपना ये कार्ड किसी और को मत दिखाइए, बल्कि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बार इसे देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांत चित्त से सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए। कार्ड को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। और चूंकि अभी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये समझिए कि बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी पल से वो लक्ष्य आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की ओर देखिए। इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विकसित करनी होंगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं। लेकिन अगर एक बार पड़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं। जिस चीज से भी आपको भय लगता हो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगह पर अपने सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का विचार, उसकी सजीव कल्पना मन में ले आइए। इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिया जाए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही वजह है कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रतिशत वाले वर्ग में अपनी जगह बनाएं। इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमति आप दें। 30 दिनों की इस परीक्षण अवधि के दौरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें। ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे। जिस क्षण आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं, उसी क्षण आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक 100 में से शीर्ष के 5 लोगों में आ गए। लक्ष्य किस तरह हासिल किया जाए, इस चिंता में अपने आप को बहुत ज्यादा मत उलझाइए। इसे पूरी तरह उस शक्ति पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे प्रश्न जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद ब खुद मिलता जाएगा। आप धर्मोपदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए। प्रश्न पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा। खोजो और तुम उसे पा लोगे। दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमत्कारी भी। दरअसल ये सिद्धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलझकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा। बस आपके लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हों और उसे पूरा करने का विश्वास भी। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें,
जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें, उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका डोरोथी ब्रांड ने अपने लिए इस राज को ढूंढ निकाला। अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है। उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गया है, इस तरह काम करो मानो असफल होना असंभव है। डोरोथी ने अपनी परीक्षण अवधि पूरी ईमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया। अब आप 30 दिनों तक अपना परीक्षण करें, लेकिन तब तक परीक्षण शुरू न करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार न कर लें। आप पाएंगे कि दृढ़ लगनशील होने की वजह से आप में विश्वास भी झलक रहा है। कहा जा सकता है कि दृढ़ लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते। यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं, यानी नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं, तो फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आप को उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने कार्ड को मत भूलें। जब आप जीने का ये नया ढंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए निहायत जरूरी है। इसकी एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें, जो भी आपका लक्ष्य हो, और दूसरी तरफ धर्मोपदेश की ये पंक्तियां लिखें, पूछो और वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे निश्चित पाओगे, दस्तक दो और द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। परीक्षण के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पुस्तकें पढ़ें, ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी। जीवन में कभी भी कोई महान कार्य बिना प्रेरणा के संपन्न नहीं हो सका है। ये ध्यान रखें कि परीक्षण अवधि के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने शीर्ष बिंदु पर रहे। सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय जीवन को तोड़ देता है। याद रखें कि आपको अपना लक्ष्य अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट रखना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त बने रहें, किसी भी छोटी मोटी बात को इजाजत ना दें कि वो आपको परेशान या खिन्न करे और मार्ग से हटा दे। हो सकता है कि परीक्षण को कठिन जानकर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं। देखिए, जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता, कोई भी अधकचरा रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे, और यदि सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसन्न चित्त सफल और सकारात्मक बनेगा। और अब एक बात और, अक्सर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं, इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजाकर अपने आप को याद दिलाते रहें कि नई आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करना है। नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इसे सुने। आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझे सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई कीमत चुकाए, मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं। यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय ही लोगों के पैसों से करते हैं, इसलिए प्रामाणिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाभ हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे। सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं, और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे, लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्राप्त कर लें। अन्यथा उस आदमी की कहानी का उदाहरण ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आंच दो, तब मैं लकड़ियां डालूंगा। आप क्या मानते हैं, आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवैया होगा? उनकी संख्या करोड़ों अरबों में होगी, जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले ईंधन डालने पर ही आंख मिलेगी। ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए। अपने आप को कभी पैसों से मत जोड़ें, बल्कि परिश्रम, कार्य सेवा, सपनों और उन्हें साकार करने की इच्छा से जोड़ें। आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्ति और समृद्धि आती है। समृद्धि भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है,
कोई भी व्यक्ति जो समृद्धि के लिए परिश्रम और योगदान करता है वो स्वयं को समृद्ध बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 30 दिन की परीक्षण अवधि से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमाण और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है, और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक वो औरों को समृद्ध न करे। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। एक बार यदि यह नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बतला सकता है। यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्ध करानी होगी, और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमाण में भी कमी करनी होगी। यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वयं को समृद्ध कर लेंगे तो यह आपकी भूल है। इससे आप स्वयं को ही दरकिनार कर लेंगे। ये बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये असंभव है। एक जाने माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के लिए 6 सूत्री उपाय बताए हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, अपने को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें। तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिनकी वजह से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विषय में अपनी धारणा को बदलें। आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वयं को रखकर सोचें और उसका अभिनय करें। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास की शुरुआत से ही विशेषज्ञ लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। ये काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। 30 दिनों का परीक्षण पूरा करें, इसे दोहराएं और फिर दोहराएं। हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसात होती जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप किसी और ढंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नए ढंग से जीवन जिए और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों ओर से सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिले, और ये नियम अपनाकर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शांत आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही आरंभ कीजिए। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जबकि पाने के लिए एक बिल्कुल नया जीवन आपके सम्मुख है। हमारी सलाह है कि आप किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मटेरियल्स, शर्तों, फीस और डिस्क्लेमर्स का अध्ययन करें जो आपको प्रस्तुत की जाए। ये नेटवर्किंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स का एक कॉपीराइटेड कार्यक्रम है। अनधिकृत पुनः उत्पादन निषेध, क्रय ऐच्छिक है। ये रिकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। अनधिकृत पुनः उत्पादन पूरा या भाग में किसी भी रूप में या किसी भी साधन से इलेक्ट्रॉनिकली या मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, डुप्लीकेशन या कोई भी सूचना या पुनः प्राप्ति की प्रणाली शामिल है, प्रकाशक निर्माता की अनुमति के बिना लागू कानूनों का उल्लंघन है और आपराधिक कानूनी कार्यवाही के अधीन है।